मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि पीओजे के इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर का। हम भी ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर का, और हम लद्दाख का एक्सटेंशन है, और इंडियन यूनियन में और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम अपने राइट्स जो हैं वो मांगते हैं, उसकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उसमें हम अपना रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। और अभी ये जो यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं उनमें जो रिज़र्व सीटें होंगी वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी वहाँ सीटें होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि राज्यसभा लोकसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम एक इंटीग्रल पार्ट हैं, और इंटीग्रल पार्ट होने की वजह से ये जो एक प्रोविज़न मिली है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो एक तासुर दिया है कि JNK जो है वो सिर्फ कश्मीर वैली नहीं है बल्कि लद्दाख और जम्मू के लोगों की और उनकी एस्पिरेशंस और डिमांड्स भी मानी और समझी जाएंगी और उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, इक्वल उसको अटेंशन मिलेगी, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा उसमें होप है।